Those are visuals on your screens of Prime Minister Narendra Modi visiting Ramnath Kovind's residence right now. He's being greeted by a bouquet of flowers, Ramnath Kovind's family, together for those photo ops with Prime Minister Narendra Modi. And there he is being offered with sweets as he is now going to be leading the historic third term as Prime Minister of the country. Mohammad Afsar, Prime Minister Narendra Modi has met BJP veteran L.K. Advani, he met Mr. Murali Manohar Joshi, and now he has paid a visit to the residence of Ramnath Kovind. He has met the family. बिल्कुल पीएम जितने सीनियर लीडर्स हैं उनसे मिलने के लिए गए और बल्कि एक तरह से कहें तो उन्होंने आशीर्वाद लिया और पहले भी पीएम ने अपनी बातों में हमेशा से रिस्पेक्ट देते हुए देखा गया है कि पीएम ने हमेशा से रिस्पेक्ट दिया है नरेंद्र मोदी ने तो आज वो दिखा भी क्योंकि संसद भवन से जब वो बाहर निकले क्योंकि संसद भवन में घंटे भर से ज़्यादा बोला उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में क्या करेगा देश पार्टी क्या करेगी पिछले 10 सालों में क्या किया विपक्ष पर भी हमला बोला और इस सब के बाद सबसे पहले जा करके वो आडवाणी से मिले और दूसरे बड़े नेताओं से मिले तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया है कि कैसे उनकी पार्टी सीनियर्स की इज्जत करती है और साथ ही देश को भी आगे लेकर के चलना चाहती है ओके ऑलराइट अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स हो गई हैं उन्होंने रामनाथ कोविंद के रेजिडेंस पे भी मिल चुके हैं अब आगे कोई मीटिंग्स प्लान है क्या बीजेपी के लीडर्स की मीटिंग्स प्लान है उम्मीद है कि शाम तक राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता दे सकती हैं और जिसके बारे में जो अभी तक की खबर है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा तो उम्मीद की जा रही है कि शाम में जैसे ही राष्ट्रपति भवन से ये मैसेज आ जाएगा कि राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दे दिया है तो उसके बाद डेवलपमेंट्स बहुत हाई हो जाएंगी और चूँकि प्रधानमंत्री ने क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कहा कि शपथ लेने के बाद वो क्या क्या देश के लिए करने वाले हैं तो घंटे भर तक के अपने भाषण में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आने वाले प्लान्स क्या हैं उनके तो अब चूंकि नरेंद्र मोदी अब घर चले जाएंगे और उसके बाद शाम में जैसे ही न्योता आएगा उसके बाद मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो जाएगा तो उम्मीद बस अब वेट है शाम का जब राष्ट्रपति भवन से ये मैसेज आएगा कि सरकार बनाने का न्योता दे दिया गया है एनडीए को For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.